फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए टाक ऐप। राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा एयर को जन्म में कुछ ही दिन हुए हैं और कंपनी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। अकासा एयर के डेटा में सेंध लग गई है और इस वजह से हड़कंप मच गया है। डेटा से जुड़ा क्या है ये पूरा मामला, ये सब हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्ता। दरअसल अकासा एयर कंपनी के ग्राहकों का डेटा कुछ संदिग्ध लोगों तक पहुंचने का मामला सामने आया है। कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त को लॉगिन और साइन अप सेवाओं को लेकर कुछ अस्थायी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। एयरलाइन ने जानकारी दी कि इस तकनीकी खराबी के चलते अकासा एयर के रजिस्टर्ड यूजर्स की सूचनाएं जैसे कि नाम, लिंक, ईमेल, पता और मोबाइल नंबर संदिग्ध लोगों को मिल गई। एयरलाइन ने रविवार को बताया कि इस घटना की जानकारी कंपनी ने सरकार को दी है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों को भी इस डेटा लीक के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा अकासा एयर ने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों को संभालने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को भी इस मामले की जानकारी दी है। एक ट्विटर यूजर ने अकासा एयर के ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें कहा गया कि हमारी लॉगिन और साइन अप सर्विस से संबंधित एक अस्थायी तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन एरर 25 अगस्त 2022 को रिपोर्ट की गई थी। नतीजतन कुछ अकासा एयर रजिस्टर्ड यूजर की जानकारी, नाम, लिंग, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा देखी गई हो सकती है। हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि इन डिटेल के अलावा कोई भी यात्रा संबंधी जानकारी, ट्रेवल रिकॉर्ड या पेमेंट इंफॉर्मेशन के साथ समझौता नहीं किया गया। कंपनी ने कहा कि उसने डेटा लीक से जुड़े सिस्टम को पूरी तरह से बंद करके अनऑथराइज एक्सेस को रोक दिया है। कंपनी ने बताया कि उसने स्थिति से निपटने के एडिशनल कंट्रोल जोड़ने के बाद लॉगिन और साइन अप सर्विसेज को फिर से शुरू कर दिया है। अकासा ने यह भी कहा कि वो भविष्य में इस तरह के साइबर हमलों के खिलाफ अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा अकासा एयर ने इस गड़बड़ी के लिए अपने ग्राहकों से माफी भी मांगी। अकासा एयरलाइन को मशहूर कारोबारी रहे राकेश झुनझुनवाला ने शुरू किया था, लेकिन इसके एक हफ्ते बाद ही उनका निधन हो गया। अकासा एयर पिछले एक दशक में परिचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान का परिचालन मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर 7 अगस्त को हुआ था। इसके अलावा एयरलाइन कंपनी अकासा एयर सितंबर महीने के अंत तक 150 से ज़्यादा साप्ताहिक उड़ानों के परिचालन की उम्मीद कर रही है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु मुंबई रूट पर अपनी उड़ानें शुरू की थी और अब कंपनी बेंगलुरु कोची, बेंगलुरु मुंबई, मुंबई अहमदाबाद पर सेवाएँ दे रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही खबरें देखने के लिए बिस्ता को सब्सक्राइब करें।